वो जो है डेंगी कहते हैं, डेंगी एक्चुअली यहाँ पे लोग डेंगू बोलते हैं पर प्रोनाउंसिएशन डेंगी है। और पटना में बाढ़ में आने के बाद यहाँ पे 1000 से ज्यादा केस हो गए हैं। आज मैं सुबह का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, 80 केसेस दो दिनों में हो गए हैं। डेंगी जो है मच्छर से फैलता है, मॉस्किटो से फैलता है। उस मॉस्किटो का नाम है एडीज एजेप्टाई, इसको टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। टाइगर मॉस्किटो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके जो पंख होते हैं उसके पैरों में जो है धारियां होती हैं टाइगर की तरह। ये पानी में ही लो लेवल पे रहता है और आपको पता होगा जहाँ भी दिल्ली में ये कोहराम मचा चुका है, यूपी में इस वक्त और पूरे बिहार में और झारखंड में फैला हुआ है। डेंगू जब पहली बार होता है तो उतना नुकसान नहीं करता है, वो नॉर्मल वायरल फीवर की तरह होगा, मतलब बुखार आएगा और चड़ी के साथ बुखार आएगा, मतलब एकदम कपकपी आएगी। सर दर्द बहुत करता है और क्लासिकल जो है आंखों के पीछे दर्द होता है, यहाँ पे कहते हैं यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। इसके अलावा रैश होता है, चमड़ी पे छोटे छोटे रैश आ जाएंगे, उल्टियाँ होने लगती हैं, पेट दर्द होने लगता है। और दूसरा जो है डेंगू का सबसे वो है जॉइंट पेन एंड मसल पेन, माइलजिया, यानी कि जोड़ों में, घुटने में और बैक पेन होता है, समझ, और हाथों के एल्बो में पेन होता है और माइलजिया होता है, मसल्स में पेन होते हैं। तो ये तो कारण मैंने बता दिया कि मच्छर से होता है, गंदगी से फैलता है, मच्छर फैलाता है और काटता है। ये बता दिया कि क्या क्या हो सकता है, कैसे डायग्नोसिस करते हैं, तो ब्लड जांच होती है। हाँ, यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात बता दूँ कि हर प्लेटलेट कम होना का मतलब डेंगू नहीं है। ये तो ज़्यादातर जो है कई बार होता है कि गांव में लोग जो है या फिर कुछ डॉक्टर्स जो है वो जैसे ही प्लेटलेट होता है उसको डेंगू करके उसको ट्रीट कर देते हैं। हर प्लेटलेट जो है, चलने दो मिनट से बड़ा होने तो क्या कर सकते हैं, हर प्लेटलेट कम होना डेंगू नहीं होता है। नॉर्मल वायरल फीवर में भी प्लेटलेट कम हो जाता है, डेंगू में बहुत तेजी से प्लेटलेट कम होता है। डेंगू प्रोफाइल कराना होता है, जो एलाइसा टेस्ट है उसमें एंटीबॉडी अगेंस्ट डेंगू वायरस के देखते हैं, IgM, IgG और NS1 एंटीजन के खिलाफ। अगर वो पॉजिटिव आता है, IgG ना भी पॉजिटिव हो, अगर IgM पॉजिटिव है और NS1 पॉजिटिव है तो इसका मतलब डेंगू हो गया है। अगर IgG और IgM पॉजिटिव है, NS1 भी पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा है। कॉम्प्लिकेशन यानी कि डेंगू जो है क्या क्या करता है, डेंगू करता क्या है, डेंगू जो है वो प्रॉब्लम ये होती है कि प्लेटलेट कम होने की वजह से डेंगू जो है प्लेटलेट कम होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन में डेंगू के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग जो है वो टेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी कि छोटी छोटी नलियां जो हैं वो मतलब खून की जो नली होती है फटने लगती है और लाल लाल रैश होते हैं जिसको पेटिके परपूरा वो कहते हैं। इसके अलावा जो है जब ज्यादा हो जाता है तो डेंगू हेमरेजिक फीवर में चेंज होता है, जिसमें शॉक में जा सकता है बंदा। ट्रीटमेंट पार्ट में आपको है कि जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये डेंगू है। अगर डेंगू है तो फ्लूड थेरेपी ज़्यादा देनी पड़ती है, यानी कि आपको खूब सारा पानी पीना है और BP कम होने के चांस रहते हैं तो BP नपवाते रहिएगा, डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना है जब भी रैश अगर पड़ जाए तो। इसकी मदद लीजिए, इसकी मदद। तो उसमें ट्रीटमेंट पार्ट में मैं बता रहा था कि डॉक्टर जो है फ्लूइड देते हैं, कोई ऐसी दवा नहीं है कि जिससे डेंगू का ट्रीटमेंट हो सके, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई एक मेडिकल कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, मेनली फ्लूइड ट्रीटमेंट देते हैं। और अगर प्लेटलेट 20,000 से नीचे होगा पर क्यूबिक मिलीमीटर तभी प्लेटलेट चढ़ाना होता है, ऐसा नहीं है कि जो है 60,000 हो गया, 50,000 हो गया प्लेटलेट चढ़ा दे।
डॉक्टर के उस पे डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि वो प्लेटलेट कब देता है, और यूजुअली जो है बड़ों बच्चों में और बड़े लोगों में 20,000 से नीचे प्लेटलेट अगर कम है तो प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, प्लेटलेट अपने आप बढ़ जाता है। जो भी प्लेटलेट आप चढ़ाते हो वो 72 घंटे तक शरीर में रहता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने प्लेटलेट चढ़ा दिया तो आपका मतलब उसका ट्रीटमेंट हो गया। तो प्लेटलेट चढ़ाने के बाद फिर से प्लेटलेट कम हो सकता है। फीवर के लिए पैरासिटामॉल ही यूज़ करना है, एस्पिरिन ड्रग नहीं यूज़ करना है। एस्पिरिन जो है वो बढ़ा देता है क्या कहते हैं ब्लीडिंग टेंडेंसी। इसके अलावा कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं थी। फ्लूट देना है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज चढ़ाना रहता है जो कि लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये ट्रीटमेंट पार्ट है। अच्छा प्रिवेंशन पार्ट, प्रिवेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपके लिए आप सबसे ज़्यादा समझने की जरूरत है कि अभी तो जो बाढ़ का पानी है, दिखाओ तुम्हें तो बाढ़ का जिस तरह से पानी आया हुआ है, बाढ़ के पानी के से में तो कोई ट्रीटमेंट मतलब प्रिवेंशन बहुत नहीं हो सकता है बस। लेकिन अगर अपने घर के आसपास कोई पानी जमा नहीं होने दीजिए, खासकर सबसे ज़्यादा पानी जमा होता है टायर कहीं पड़ा हुआ है उसके अंदर पानी जमा है तो मच्छर अपना पैदा होते हैं, अंडे देते हैं, लार्वा बनता है। फूल के गमले, गमलों में जो है ढेर सारा पानी इकट्ठा हो सकता है, उसमें मच्छर बैल सकते हैं। कूलर में हो सकता है, यानी कहीं भी आपको अगर रखा रहे पानी है तो उसको फेंक दीजिए, चेंज करिए रोज। दूसरे जो है फुल स्लीव की शर्ट पहनिए, ग्लव्स पहन सकते हो, दिन में भी मच्छर काट सकता है, ये भी बता दूं। और जब पैंट पहनोगे तो मोजे के अंदर पैंट मोजा पहनो, मोजे के अंदर अपना लगा लो। मॉस्किटो रिपेलेंट ओडोमास वगैरह जो भी आता है उसको यूज़ करिए, कछुआ छाप यूज़ कीजिए, गुड नाइट यूज़ कीजिए रात में। मच्छरदानी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, मच्छरदानी ज़रूर लगवाइए घर में सोते वक्त जो है, और उससे प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन में यही बस है, मॉस्किटो को ब्रीडिंग को रोकना है। तो फिर से समराइज करूँगा, जैसे कि डेंगू फैलता है मच्छर से, डेंगू जो है मच्छर जो है पानी कहीं भी ठहरा रहता है उसमें अंडा देने से होता है। इसका मेन जो है बुखार होता है, सर दर्द होता है, आँखों के पीछे दर्द होता है, चकत्ते पड़ जाते हैं लाल लाल, पेट दर्द होता है, उल्टी होती है, जोड़ों और मसल्स में दर्द होता है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पानी खूब पीजिए, बुखार की दवा लीजिए, एस्पिरिन नहीं लेना है, और अगर चकत्ते पड़ जाएं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। प्लेटलेट चढ़ाना कोई ट्रीटमेंट डेंगू का नहीं है, मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लिकेशन रोकने के लिए प्लेटलेट दिया जाता है, और प्लेटलेट वो भी 20,000 से नीचे है तो भी देने की जरूरत है, वो भी डॉक्टर डिसाइड करेगा कि पेशेंट को देख के टेस्ट में उसको प्लेटलेट कम होने से ये डेंगू नहीं होता। हर प्लेटलेट कम होना डेंगू नहीं होता है, में भी जो है वायरल फीवर में भी प्लेटलेट कम हो सकता है, और भी डिजीज़ में प्लेटलेट कम हो सकता है। जो मच्छर जो है ये डेंगू फैलाता है वही मच्छर चिकनगुनिया ही फैलाता है। प्रिवेंशन के लिए आपको पानी रोकना है, फुल स्लीव की शर्ट पहनना है, और मास्किटो रिपेलेंट यूज करना है। थैंक यू।